पर कि किसका तबादला हुआ है और क्यों हुआ है और किसको हटाया गया है। मणिपुर हिंसा में अब तक पहले तो 28 अप्रैल को हिंसा की चिंगारी पहली दफा जली जब मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह को मणिपुर के चूरा चांदपुर आना था जिम के उद्घाटन के लिए। उनके आने से एक रात पहले वहां कुछ लोगों ने जिम में आग लगा दी। उसी समय इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने ये कहा कि चूरा चांदपुर 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम तक बंद रहेगा क्योंकि उन्होंने कुछ मांगे की थी सरकार से जो पूरी नहीं हुई। उनका विरोध सरकार के लैंड सर्वे और चर्च को तोड़ने को लेकर था। आपको बताती चलूं कि 10 मार्च को मणिपुर सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि SOO पैक्ट से अपना हाथ वापस खींच लिया था। इस अग्रीमेंट के तहत सरकार और मणिपुर के उग्रवादियों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि आप हिंसा नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे और आपके सारे सशस्त्र लीडर्स सरकार के कैंप्स में रहेंगे और आपका असला बारूद सब डबल लॉक सिस्टम में अंदर रखा जाएगा और आपके हथियार तभी आपको मिलेंगे जब अगर आपके कैंप्स पर कोई खतरा मंडरा रहा हो या फिर आपके लीडर्स पर कोई अटैक करने वाला हो। ये पैक्ट किया गया था साइन 22 अगस्त 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार और तब की मणिपुर की सरकार से। उन्होंने ये पैक कुछ कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ साइन किया था और ये हर साल रिन्यू होता था ये देखते हुए कि शांति बरकरार है या फिर नहीं। एसेंशियली एक पॉलिटिकल डायलॉग के लिए इस पैक्ट को बनाया गया था ताकि विद्रोहियों और उग्रवादियों और सरकार दोनों ही एक टेबल पर आकर अपनी मांगों के बारे में बात कर सके। अब 10 मार्च को मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने ये पैक्ट तोड़ दिया, वहां से हाथ पीछे ले लिया ये कहते हुए कि ये उग्रवादी लोगों को भड़का रहे हैं ताकि मणिपुर से अलग कुकी लैंड निकाली जा सके। उनका कहना ये भी था कि ये लोग ड्रग्स का काम करते हैं, बॉर्डर पार स्मगलिंग करते हैं, साथ ही साथ इन पर म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या मुस्लिम्स को शेल्टर देने का भी आरोप लगाया गया। वहीं इन ग्रुप्स का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, सरकार लैंड सर्वे कर रही है और चर्च इत्यादि तोड़ रही है। उसके बाद मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें मणिपुर में मेजॉरिटी मैतई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा करने की बात उठी। कहा गया कि ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय को ये रिकमेंडेशन भेजी जाए ताकि मैतई समुदाय को भी ST यानी शेड्यूल कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सके। ये अप्रैल की बात है। अब बाकी कुकी और जोमी कबीले जो अल्पसंख्यक हैं और अनुसूचित जनजाति में ऑलरेडी आते हैं उनका कहना था कि मैतई तो बहुसंख्यक हैं, उन्हें किस चीज का रिजर्वेशन, प्लस वो राज्य में हर उच्च स्तरीय पोस्ट पे भी हैं, तो उन्हें ये रिजर्वेशन देना मतलब बाकी ST कैटेगरी के समुदाय के साथ सही ना करना होगा। उनका कहना है कि मैतई समुदाय को जंगल का एक्सेस भी चाहिए जो उन्हें फिलहाल नहीं है। तो बेसिकली दो समुदायों की लड़ाई है मणिपुर में अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर के, मैतई समुदाय और कुकी जोमी समुदाय। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को हाई कोर्ट के इस फैसले की आलोचना भी की और कहा कि ये फैसला फैक्चुअली रॉन्ग बेसिस पर लिया गया है या इनकी गलत तथ्यों के ऊपर आधारित है। इन्हीं वजहों के कारण मणिपुर के मुद्दों में खौलन आई, फिर अप्रैल में जिम जला, उसके बाद 3 मई को रैली निकाली गई जिसने हिंसक रूप ले लिया। उसके बाद जब अमित शाह को वहां पर अफेक्टेड एरियाज में दौरा करना था उसके एक दिन पहले ही वहां पर फिर से हिंसा हुई। अमित शाह ने कहा कि शांति बहाल होगी और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को SOO पैक्ट का उल्लंघन ना करने की वार्निंग भी दी गई। अब आ जाते हैं उस DGP पर जिसे केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है ताकि सिचुएशन बेहतर हो पाए। उनका नाम है राजीव सिंह। मगर राजीव सिंह कौन है और क्यों उन्हें खास त्रिपुरा से बुलाया गया मणिपुर, उसके बारे में हम बात करेंगे और उससे भी जरूरी है कि पिछले DGP को वहां से क्यों हटाया गया। तो केंद्र ने 3 साल के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव सिंह का कैडर बदल दिया है और उन्हें मणिपुर भेज दिया है जहां वो एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि मणिपुर में और हिंसा ना हो और साथ ही साथ जान माल की हानि भी ना हो, साथ ही साथ उग्रवादियों और सरकार के बीच डायलॉग बना रहे। मणिपुर से सूत्रों ने बताया है कि ये फैसला केंद्र ने बहुत सोच समझ करके लिया है। मणिपुर के पिछले DGP पी डोंगल को इसलिए हटाया गया ताकि पूरी जांच पड़ताल बिना पक्षपात के हो सके। दरअसल पिछले DGP खुद कुकी समुदाय से है और मैतई समुदाय को डर था कि जांच में पक्षपात होगा। तो कौन है राजीव सिंह, मणिपुर के नए DGP? राजीव सिंह त्रिपुरा कैडर भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी है जो त्रिपुरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के इंस्पेक्टर जनरल थे। सोमवार को स्पेशल केसेस इन पब्लिक इंटरेस्ट साइट करते हुए मणिपुर कैडर में उनका तबादला कर दिया गया। मणिपुर पुलिस का ऑपरेशनल कमांड फिलहाल एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी ADG आशुतोष सिन्हा के हाथ में है, जबकि पर कि किसका तबादला हुआ है और क्यों हुआ है और किसको हटाया गया है। मणिपुर हिंसा में अब तक पहले तो 28 अप्रैल को हिंसा
की चिंगारी पहली दफा